चार दिन की ज़िंदगी हम कहते हैं पर हमारा माइंड है ना ये कबूल नहीं करता है सो द थिंग इज़ यू नीड टू हैव अ फुलफिल लाइफ लेकिन जो आपकी सिमथ है ना लाइफ की वो आपकी फिलोसफी से आपकी आती है हम स्कूल में था हमें क्या पता कौन शी है कौन सुनिए कौन क्रिश्चन है कौन हिंदू है सब थे हमें पता ही नहीं था पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इट जी डी पी प्राइवेट सेक्टर चैरिटी बहुत होती है लेकिन द एलेवेंट इन द रूम इज द गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए फॉर मी मैं अगर लगाता भी हूँ मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा अगर मैं खुद में लगा तो अपने पैसे मेरे ख़त्म हो जाएंगे सो so, ये मनी पॉलिटिक्स करप्शन ये सारी की सारी चलती इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट शुड अ यंग किड ट्राई टू लीव पाकिस्तान राइट नाउ या आई मीन एब्सोल्युटली Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of how does it work a podcast by pro pakistani we're still in karachi we've got a very very special guest uh, he's a businessman a philanthropist amin ashwani Saab, thank you so much for being on the podcast the first thing to say it's an honor to, to have you here um, and i'm fair to discuss what do i want to talk about so i to this discussion from the beginning ऑनटरप्रन्यरशिप बिजनेस माइंड सेट होती है uh, आप फिलंथरी भी, भी करते हैं डज वन नीड टू हैव अ मीनिंग इन लाइफ और और अ पर्पज और कैन इट जस्ट बी यू नो सेल्फ कैन जस्ट बी अबाउट मनी और मीन्स टू एन एंड सो लुक आई मीन इफ यू बिलीव इन रिलीजन एंड स्परिचुअल ट्रेडिशंस तो ये एक लाइफ टाइम है इट्स तो अ वेरी लिमिटेड होती है चार दिन की जिंदगी हम कहते हैं पर हमारा माइंड है ना ये कबूल नहीं करता है राइट वी थिंक के सम हाउ हम इंफिनट टाइम तक हम इधर रहेंगे हमेशा के लिए रहेंगे राइट सो आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड डेथ वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ राइट कि सारे का सारे ट्रांजेशन है और ये हमें कॉन्स्टेंटली हमें रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है क्यों हमारा दिमाग हमारा ईगो कि हम बड़े फने खाने हम ये भी कर सकते हैं और ये भी करना है और वो भी करना है तो बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए लाइफ है ना हम हमेशा एक प्रेजेंट मोमेंट है रियलिटी के लेकिन हमारे जो वॉइस है ना हमारे दिमाग में ऑल द टाइम चल रहा है नॉन स्टॉप टक 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 सो लाइफ आप विल पास यू बाय आपको पता ही नहीं चलेगा राइट right? uh, बच्चे बचपन से शादी हुई बच्चे हुए बिजनेस हुआ बिफोर यू नो यू ऑन डेथ बेड सो डेथ बेड पे कोई भी होगा रिफ्लेक्ट बैक करेगा कि भाई क्या अपने क्या अपने सो so, वो कोई नहीं कहेगा यार मैंने फेसबुक में ज़्यादा देखना था या मैंने पैसे ज़्यादा कमाने थे बिज़नेस डील और करनी थी हमेशा होता है कि यार मैंने कुछ सोसाइटी को दिया है मेरी कोई मीनिंग क्या थी लाइफ में मैंने फैमिली को क्या करा मैंने अपने जो लोग थे उसका सो यू एब्सोलूटली असेंशियल के मीनिंग होना ज़रूरी है और मीनिंग के लिए आपका एक फ़िलासफ़ी आपकी लाइफ में होनी चाहिए राइट लाइक मार्टिन लूथर किंग सेड के इफ़ यू डो नॉट नो वॉट यू आर विलिंग टू डाई फॉर यू डो नॉट नो वॉट यू आर लिविंग फॉर राइट तो यू नीड टू हैव सम पैशन सम फिलासफ़ी इन लाइफ दैट विल ग्राउंड यू एंड फ्रॉम देर देन यू क्रिएट योर बिलीफ सिस्टम यू क्रिएट योर एक्शंस रिएक्शंस ऑल ऑफ़ दैट आपकी लाइफ की डायरेक्शन वहाँ से आती है अगर ये आपका ग्राउंडिंग अगर आपको सही नहीं है चांसेस आप जिंदगी अब ज़ाया करेंगे ज़ाया मीन्स यू माइट अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट कोई मीनिंग एंड पर्पज आपकी लाइफ में नहीं होगा राइट सो आई वुड ऑलवेज से द ग्रीक्स हमेशा कहते थे वुड ग्रीट इच अदर एंड से मे यू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ सो द थिंग इज़ यू नीट टू हैव अ फुलफिल लाइफ हैप्पी लाइफ इज एप्सोलूट नॉन सेंस ये नहीं हैप्पीनेस इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, है. Hmm. और क्या आज मैं और आप है हम हैप्पी है अच्छी कॉफ़ी पी रहे हम हैप्पी हो गए hmm. कल कुछ और हुआ ट्रैफिक जा रही कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी ने साइड मारी हम एक सेकेंड में वी लूज अ टेम्पर सो हैप्पीनेस इज़ अ वेरी फ्लूड कॉफी फ्लूएड कॉन्सेप्ट है इट्स अ पासिंग फीलिंग पर्पस मीनिंग फुलफिलमेंट वही आपको ग्राउंड करता है अंदर से एंड hmm. इसी से आप में हिम्मत आती है कि okay, आप लाइफ में पंचेज़ आते हैं यू यू फॉल्ड डाउन यू गेट अप डिसअपॉइंटमेंट्स होती है ट्रेजिडीज़ होती है ऑल ऑफ दैट हैपेंस अगर आप में अंदर वो नहीं होगा ना एंड आ रिलीजन इस्लाम गिव्स अ वेरी गुड फिलासफी इस्लामिक फ़िलासफी इसमें इट्स फुल ऑफ इट इफ़ यू रियली हम उसके एसेंस अगर हम समझें तो इट्स वेरी मच दैट सो ये आपके अगर नहीं होगा तो फिर आप गटपंच नहीं ले सकेंगे आप गिर जाएंगे फिर उठेंगे नहीं फिर डिप्रेशन होगी एंग्जाइटी हो गई सेंस ऑफ रिग्रेट्स आ गई बिटरनेस आ गई एंगर आ गया राइट एंड देन यू हैव ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस कमिंग एंड इसीलिए अभी भी आई वॉज लुकिंग एट दैट अल जजीरा रिपोर्टर इन गाज़ा राइट हिज इंटायर फैमिली पास्ट हुए उसका सन वॉज ऑल्सो रिपोर्ट येस्ट डे ही डाइट राइट उसमें हिम्मत आप देखे उस बंदे में मैं तो उसको जब भी इफ आई आई मीट आई वुड सल्यूट द गाय कि इतना उसके करे बिकॉज ही हेज़ सेंस ऑफ पर्पस ही सेट आई एम ऑन अ जॉब आई एम ग रिपोर्ट कि जो भी यहाँ हो रहा है ये मेरी ड्यूटी है दैट्स इज़ फिलोसफी इन लाइफ दैट्स इज पर्पस इन लाइफ इसीलिए उसके अंदर हिम्मत आ रही है कि अपने बेटे का उसने जनाजा अटेंड करके इमीजिएटली ही वेंट टू हिज जॉब आई मीन इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग लाइक दिस बोलना आसान है बट करना बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल और वो माइक टैक्सन की कोर्ट है ना कि एवरीबॉडी हैज़ प्लान इन द फेस एब्सोल्युटली राइट लेकिन अगर आप एक यंग बच्चे हैं जो वाचिंग दिस पॉडकास्ट और वो हाउ डू आई फाइंड माय पर्पस तो कोई कोई इंसान है दैट वेरी लकी कि बहुत यंग एज में उनको पता होता है कि यार मैंने ये करना है कोई अनफॉर्चुनेटली कोई लोग होते हैं दे गेट इन टू ट्वेंटी थर्टी स्पेंड देयर लाइफ विदाउट बीइंग एबल टू फाइंड दैट पर्पस तो वो ढूंढा कैसे जाता है सो आई वुड से पर्पस से पहले आती है फिलासफी यू आर बॉन्ड डिफरेंट एज में डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में आपका दिमाग आपकी परसपशंस आपके अंदर एक आवाज़ होती है एंड वो आवाज़ नहीं कि सोशली इन्फ्लुंस हो गई कि वो बंदा वो करा वो पैसे कमा रहा है ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ राइट वो नहीं आपके अंदर एक हम सब में एक आवाज़ होती है राइट तो वो हमारी एक डायरेक्शन होती है कि दिस इज़ वॉट इज़ माई डूइंग जब उसको आपने फॉलो करना शुरू किया तो फिर आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स भी होगी यू विल स्टिल बी एट इट राइट सो आपकी एक सडन फिलासफी पहले आप बनाएं कि भाई मैं क्यों आया हूँ यू दीज आर डीप क्वेश्चन यू नीड टू आस्क वाई डू थिंक एंड आई आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें ऑन माई डेथ पैड जब hmm. मैं वापस देखूंगा मेरी लाइफ को वॉट विल इट बी मेरा एक ही है कि मुझे रिग्रेट आई डोंट वॉन्ट के काश में जो भी मेरा पर्पस था मैंने उसको फुलफिल नहीं किया राइट एंड एफ वट एवर आई बिन कैन टॉक अबाउट इट बट दैट्स माई वन गोल आई डो नॉट वॉन्ट टू हैव रिग्रेट्स कि ये मैंने नहीं किया काश ये करना hmm. था राइट right? आपकी प्रायरिटी सो so, आपकी फिलॉसफी है ना वो पहले करे उसके बाद फिर आपका पर्पस इवॉल्व होता है एंड पर्पस भी चेंज होते रहता है डायरेक्शन एक रहती है जब अगर आप 20 साल के होंगे आपका पर्पस डिफरेंट होगा जब आप तीस साल के होंगे आपका पर्पज़ मुख्तलिफ होगा आप कल बिलियनर बन जाते हैं आपका पर्पज़ और भी ट्वीक होगा तो ये चेंज होते रहे दैट इज़ फाइन लेकिन जो आपकी सिमथ है ना लाइफ की वो आपकी फिलासफी से आपकी आती है और वो फिलासफी आपको अपने अंदर आपको डीप देखना है किसी को आर्टिस्ट बनना है किसी को स्पोर्ट्स में भी बनना है इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्पोर्ट्स मैन फॉर एग्जाम्पल है आपका ये खेल कूद है नो no. उसमें आप क्या आप करना चाह रहे हैं यू वॉन्ट टू बी अ रोल मॉडल फॉर अदर पीपल डू यू वॉन्ट के आप पैसे कमा के आप चैरिटी करेंगे आप स्पोर्ट्स का और यूथ को अंडर प्रिविलेज बच्चों को लोग करते राइट right? ये करना चाह रहे हैं या आप एक फेम फेम आ गई है फुटबॉल खेल के तो आपकी एक आवाज़ है आपकी फॉलोइंग है hmm. कोई पॉलिटिकल पर्पस फॉर एग्जांपल गाजा में हो रहा है उसके लिए आप खड़े रहेंगे या ह्यूमैनिटी के लिए रहेंगे या कौन से सोशल कॉज के लिए सो फुटबॉल इज़ वेरी गुड एक स्किल है आपके पास लेकिन उसको कैसा आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फिर आपकी मीनिंग एंड पर्पस आती है तो आप कहें कि मेरा पर्पस ही है सिर्फ तो फुटबॉल खेलना दैट्स स्टूपिड ओके सो यू नीड टू हैव मोर डेप्थ इन इट सो लाइक आई सेड योर पर्पस कैन चेंज वि टाइम विथ एज विथ सर्कमस्टांसिस लेकिन आपकी जो फिलासफी इन लाइफ है ना वो आपने ग्राउंड करके रखनी है इंसान क्या कहते फेक इट टिल मेक इट वो जो एक कहते हैं ना बात कि वो कोई नहीं आ, बस यू नो you know, करते रहो प्रोसेस में और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन यूल फील लाइक यू हैव फिलोसफी या कुछ ऐसा आई डो नॉट बिलीव दैट देखिए मैं आपको बताऊँ फेक इट टिल यू मेक इट मींस के आप अगर आपका अंदर का एंड आउटसाइड अलाइन नहीं है आप कभी भी आप खुश नहीं होंगे या खुश यानी कि मीनिंग आपकी लाइफ में नहीं आएगा अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ आप एक जाली पासपोर्ट पे आप यहाँ से अमेरिका चले जाएं जाली वीज़ा पे प्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको हमेशा अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी कि यार ये मैं दो नंबर पासपोर्ट पे चल रहा हूँ डॉक्यूमेंट पे चल रहा हूँ राइट आप शायद इमिग्रेशन के थ्रू भी आप निकल जाएंगे लेकिन आपको वो अंदर से फीलिंग होगी सो फेक इट इटली व इज़ अ फेक थिंग थिंगज वेरी हॉलो अंदर वो नहीं है आप उसको उस लेवल से आप ले सकते हैं कि आप को एक आपका एक पर्पस डिफाइन हो गया है राइट hmm. एंड right? आपको जाना है तो उसमें आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे एंड उसमें यू कैन से फेक इट यू मेक इट के आप उसको लगे रहे एंड यू से कि आई कैन डू इट आई कैन डू इट आई कैन डू इट इवन आपको पंचेज लग रहे हैं आप hmm. गिर रहे हैं दोबारा आप उठ रहे हैं दोबारा आप ट्राई कर रहे हैं तो फ्रॉम इन दैट कॉन्टेक्स आई वुड से येस बट नॉट फेक कि आप हलो है hmm. आपकी सिमत कुछ और जानी है आपने कुछ और जाना है बिकॉज आपने आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं करप्शन के पीछे भाग रहे हैं या झूठ बोल कर सोशल मीडिया पर होते हैं आप एक इमेज अपना आप क्रिएट कर देते हैं कि माँ मैं बहुत कूल cool बंदा हूँ और मैं वेकेशन पर भी जा hmm. रहा हूँ मैं बहुत हमेशा हैप्पी हैप्पी हूँ एंड देन यू आर कॉट इन दैट ट्रैप ठीक है देन इट्स बिकम्स ए वेरी वेरी सुना और लेटर ये हिसाब किताब हो जाता है hmm. कि आपकी पे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है एंड आपको पता है कि यार मैं एक जो परसोना में जो मास्क मैंने जो पहना हुआ है इट्स नॉट मी बिल्कुल और सुना लेटर आपको लाइफ में यह कैचप हो जाता है hmm. एक साल में होगा दस साल में होगा सुना लेटर कैचअप हो जाता है एंडलीफ sort of जर्नीर एंड इसमें लाइफ स्टाइल अब यू नो एज 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 इवॉल्व इंटरनेट पर भी बहुत लोग बात इसके बारे में करने शुरू हुए हैं कि लाइफ स्टाइल बड़ा मैटर करता है इट्स नॉट जस्ट जो प्रोसेस है ना प्रोसेस इज़ नॉट कि आप सुबह को नौ बजे जब दफ्तर पहुँचते हैं इसे लेके जो भी पाँच छः बजे तक इट्स अ लाइफ स्टाइल इन लाइक इन टोटैलिटी आप सोते Absolutely. कितना है आप खाते क्या हैं आप यू नो हेल्थ कॉन्शियस हैं हाउ इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो या सो वन इज यू नो वी टॉक अबाउट हेल्थ स्पैन राइट कि आप जितने साल भी अब रहें, आपने क्वालिटी लाइफ आपने करनी है राइट sure. सो राधा देन नॉट के यर्स कितने आपने सौ साल रहना है या आपने अगर अस्सी साल भी रहना है तो आपकी क्वालिटी लाइफ की होनी चाहिए नहीं कि सौ साल और बंदा आधा टाइम हस्पताल में ही रहे तो यू राधा डाई दैन थिंग सो इसके लिए बात करते हैं हेल्थ स्पैन की उसमें अगेन आपकी फ़िज़िकल इमोशनल एंड स्परिचुअल ये तीन चीज़ें आपकी अलाइन होनी चाहिए आप अगर फिज़िकली यू हैव टू लाइक I do gym, I play tennis in the mm. morning. I have to at my age because my health will start to decline, right? So, uh, physical, I emotional, I have to be aligned with my purpose in life, mm. right? Uh, very important. And spiritual also. I do my meditation. And so, this is interconnected. So, we, we are fundamentally holistic human beings, multi dimensional human beings emotional, physical, spiritual. ये तीन इंटरकनेक्टेड है आप किसी को भी इनमें से आप निकलेक्ट नहीं कर सकते hmm. मुझे अगर 104 आज अभी बुखार हो और मैं कहूँ मैं बड़ा फिजिकल होगा नो इट नॉट नो और ऐसे मैं बड़ा मैं नमाज पढ़ लूँ या मैं मेडिटेशन कर लूँ आई विल नॉट बी एबल टू डू हाउ अव मच आई ट्राई एक बुखार में राइट सो ये सब इंटर सो so ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये तीनों चीज़ों का आपको अलाइन करके फॉर अ मीनिंगफुल फुल पर्पज़फुल हेल्थी लाइफ आपको रहनी है स्पिरिचुअलिटी spiritual, जो है आपके लिए क्या है स्परिचुअलिटी मीन एंड व्हाट शुड इट मीन फॉर समा सो स्परिचुअलिटी में जनरली यू नो रिलीजन एंड स्परिचुअल ट्रेडिशंस बहुत टाइम से सिंस मैन काइंड का बिगनिंग आई सी इट के इट्स um, नॉट के आप बुढा का आप देखते हैं कि वो लोटस बर्नियन ट्री के नीचे बैठा है या समटाइम लोटस के ऊपर बैठ के भी मेडिटेशन कर रहा है और या कोई योगी है जो पहाड़ पे बैठा हुआ है और सूफीज है वो सिर्फ डांस कर रहे हैं गोल गोल घूम रहे हैं दैट्स नॉट द थिंग राइट सो इवन बुढा वेन ही केम उसने कहा कि फर्स्ट यू गेन इनलाइटमेंट एंड देन यू गो आउट एंड प्राइन मेक अ डिफ्रेंस इन द वर्ल्ड ओके सो इट हैज टू बी लाइक वी स्पोक अबाउट पर्पस आपका पर्पस नहीं है कि आप सिर्फ बैठो और बस लगे रहो नहीं इस्लाम टॉक्स अबाउट इट ऑल्सो राइट यू हैव टू हुकूक आबाद यू हैव टू हेल्प आउट योर फेलो ह्यूमन बींग्स पीपल इन नीड तो ये सारा अगेन इट्स ऑल इंटरलिंक्ट राइट सो स्परिचुअल एंड द फिज़िकल लाइक ए सेट इट इज़ एंड योर पर्पज़ योर फिलासफीज इस सारी इंटरलिंक्ट है हम गलती यही करते हैं कि या तो पैसे के पीछे भागे या फिज़िकल के पीछे भाए या अदर एक्सट्रीम के आप स्परिचुअल मीन्स के आप बस बैठे रहे और ये चलते रहे और कहानी से नो नॉट एट ऑल सो यू नीड टू हैव All ऑल ऑफ दिस कम्बाइंड पैकेज रीड एंड हाउ हाउ डिफिकल्ट ड इट गेट यू नो you यू बिलोंग टू sort of जो जनरेशनल वेल्थ होती है फैमिलीज होती हैं ओवर द ईयर्स उसमें ये वैल्यू सिस्टम्स पास ऑन करना ये चीज़ जिसे हम पाकिस्तान में ख़ानदानी इज is अ a, वर्ड is a used. Uh, ये बनता कैसे है ये ये मेंटेन कैसे होता है एंड बिकॉज इट बिकम्स वेरी हार्ड आई एम श्योर आई मीन आई डोंट नो बट आई एम ओवर जनरेशन तो हाउ ड बोडो दैक्टर्स ऑफ सक्सेस इन समथिंग लाइक दिस सो या सो इसमें देखें हमारी लाइफ में मल्टीपल इंफ्लुंसेज uh, uh, होते हैं राइट mm -hmm. right? uh, एक तो होती है कि आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या है आपके पेरेंट्स क्या आपको देते हैं आई बिलोंग टू द आखान कम्यूनिटी हमारा सेंस ऑफ टू थिंग्स एम्पसाइज होता है इज़ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी हेल्पिंग आउट एंड नहीं सर कि अपनी कम्युनिटी को दो अपनी डेढ़ इंच की मजीद बनो बैठ जो नो आई मीन आई एम पार्ट ऑफ द आखान हॉस्पिटल ऑल्सो राइट इट्स फॉर एवनी वन एंड एवरीबडी राइट लॉर्ड ऑफ द आखान फाउंडेशन है ये है ए के डी एन इंस्टीट्यूशन इज्स फॉर एवरी वन एंड एवरी सो गिविंग बैक टू द कम्युनिटीज दैट आर अराउंड यू बहुत ज़रूरी ह्यूमैनिटी सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी सेंस ऑफ प्लूरलिज्म राइट right? ये बहुत जरूरी होता है सो एंड माई माई पेरेंट्स ऑल्सो माई ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड फादर एक हमारी एक सेंस ऑफ ट्रेडिशन होती है कि यार ये चीज़ें हैं हमें करनी है एंड इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग एवरीबडी किसी को मैं जज नहीं hmm. कर सकता वो ऐसा है वो वैसा हमारे दिमाग ऐसा ही काम ही नहीं करता है राइट right? hmm. तो अर्ली स्टेज से आपकी तो ये थिंग हम स्कूल में तो हमें क्या पता कौन है कौन सुनिए कौन क्रिश्चन है कौन, कौन हिंदू है सब थे राइट hmm. right? हमें पता ही नहीं था मेरे तो आप इफ़ यू आर ए नाइस गाय हम दोस्त हैं इफ़ यू आर नॉट ए नाइस गाय आप अपने घर पे खुश हम अपने घर पर खुश डज पाकिस्तान नीड मोर फिलंथर आप बहुत बड़े हैं यू लिंक दैट टू योर बिजनेस आपको लगता है कि ये रोल पाकिस्तान को ठीक करना पाकिस्तान के मसले मसाइल पर तो हम आते हैं लेकिन क्या ये रोल सिर्फ गवर्नमेंट ने अदा करना है या डज सो देखिए आई हैव मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है अगर कोई मुझे कहे मैं फिलंथ्रोपिस्ट हूँ उसमें मेरी ईगो आ जाता है और पैसे लगा रहे जी वो अब मैं क्या आप देखते हैं एड्स आती है कि उसने इतना पैसे दे दिया hmm. चलते रहते हैं कि मैंने अस्पताल बना दिए इट्स नॉट सो आई सी माई सेल्फ एज एन ऑनटरप्रिनर ठीक है ना एंड uh, मैं ट्राई करता हूँ जितनी मेरी एन जी ओज है उसमें के हम बिजनेस स्किल्स लाते हैं इन दी डेवलपमेंट सेक्टर मसला ये है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना बहुत बड़े हैं हेल्थ एजुकेशन डिसेबिलिटी सेक्टर है बहुत सारे सोशल इश्यूज है राइट वी आर अ पोअर कंट्री हमारे पे रिसोर्स लिमिटेड hmm. है अब हम थ्री हंड्रेड मिलियन पीपल की पॉपुलेशन पे जाने लगे हैं आप कैसा करेंगे राइट right? hmm. तो इसके लिए आपको इनोवेशन चाहिए एंड सोशल सेक्टर में नॉर्मली लोग इनोवेशन नहीं करते तो सिलेकिन वैली मॉडल इज़ नॉट तेर बाय बिकॉज किसी कोई कि जक़ात के पैसे है या कुछ है या लोग डरते हैं राइट इन द ए एन जी ओज विच आईज वर्क एन आई ऑलवेज से टेक रिस्क एंड फेल नो प्रॉब्लम हमारे पैसे है आप जाएँ करें ओके सो सोशल इनोवेशन बहुत ज़रूरी है सो ताकि कि आप फिर डिस्क पर इतने पैसे से आप इतना बड़ा आप इम्पैक्ट करके रहें hmm. ट्रैक right? रिकॉर्ड है, है, yeah. so, आप एक एन जी ओ जो बनाते हैं दुनिया में है ये कि योर फेलियर रेट इज नाइन्टी फाइव परसेंट आई बिन रनिंग एन जी ओज फॉर ओवर फिफ्टीन ईयर्स अलहमद आर वेरी मच सो इट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल मैं हमेशा अपनी टीम्स को कहता हूँ मेरे कल सौ दिन पूरे हुए हैं और ये अगर एन अगर ड्रॉप होना शुरू हुई दैट मीन्स आई फेल्ड वी हैव फेल्ड इन माई एज माई बींग सो वी क्रिएट मैं आई एम बिग फैन ऑफ इंस्टीट्यूशन्स राइट इट शुड पीपल क्रिएट इंस्टीट्यूशंस बट अपना एग्जिट भी बहुत ज़रूरी होता है राइट mm. right? तो मैंने अपनी एग्जिट स्ट्रैटीज़ ऑलमोस्ट एक में तो ऑलमोस्ट कर दिए दूसरे में भी इन द प्रोसेस है राइट एंड आई विल नेवर हैव कि मेरे बच्चों पर बर्डन आए किसी को करना है करें नहीं करना है वो नहीं कि उनके सर पर मैं गया तो उसके सर पर आप वो कहेंगे यार हमें तो करना ही नहीं था ये लाइबिलिटी आ गई सो वी हैव बोर्ड हमने बोर्ड बनाया है इंडिपेंडेंट है बोर्ड ऑफ एडवाइजरी भी है एंड वेरी वेरी प्रोफेशनल टीम्स राइट यंग पीपल पैशनेट काम वो कर रहे हैं Hmm. काम वो कर रहे हैं right? राइट मैंने शुरू शुरू में थोड़ा रगडा लिया था उसको स्टैंड अप करना हो सो इट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल स्केलेबल होना चाहिए इम्पैक्ट होना चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए मेरिटोक्रेसी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है hmm. लेकिन इसको आप वो इम्प्लीमेंट करना ताकि आप एक ऑर्गेनाइजे विच यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको क्रिएट करना पड़ता है ये thing. हम बिजनेस में करते हैं लेकिन एनजीओ सेक्टर में हम नहीं करते हैं वी आर ऑलवेज चैरिटी डिपेंडेंट उसके पीछे भागो यार मुझे hmm. पचास लाख दे दो या दस लाख दे दो देखो ये hmm. मासूम बच्चा है इसकी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी मुझे प्लीज जरा hmm. प्लीज कट आउट अ चेक इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मैं आप आज तो मुझे कर देंगे नेक्स्ट टाइम भी कर लेंगे थर्ड टाइम यू विल स्टार्ट अवॉइडिंग माई कॉल इट्स नॉट सेल्फ सिस्टम राइट या तो मैं हंड्रेड मिलियन डॉलर का एक इंडाउरमेंट चेक मैं काट के दे देता हूँ भाई ये पकड़ो उसका इंटरेस्ट आएगा इंडाउरमेंट फंड है उसे चलते रहेगा मैं मर जाऊंगा तो ये चलते जाएगा राइट सो वी हैव टू क्रिएट सम वेज ऑफ सेल्फ सस्टेनेबल इन द डिवेलपमेंट सेक्टर एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग मैं पढ़ रहा था कहीं वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड पाकिस्तान दिस अ स्टैट दैट केम अप ऑन सोशल मीडिया रिसेंटली और मैं इस तरह सोच रहा था कि अगर हम इतनी चैरिटी का काम कर रहे हैं इट मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद द मॉडल और हाउ आर डूइंग इट क्योंकि अदरवाइज अगर आप इतनी मदद कर रहे हो लोगों की और इतने लोग मतलब वाय आर वी नॉट कमिंग आउट ऑफ द विश साइकिल ऑफ पावर ओके सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल आंसर ठीक है ओके सो दैट स्टेटिस्टिक इज़ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स जी डी पी

लोगों ने शौकत खानम लाहौर में बन रहा था वी गिव सो कराची एज अ सिटी एंड सिटीजन फाउंडेशन है कितने सारे हैं राइट ए के यू यूसो वी टेक सम फंड सेक्टर हॉस्पिटल राइट सो देर इज़ अ लॉर्ड ऑफ चैरिटी फॉर पीपल ऑफ़ कराची मेमन इवन लिविंग कराची गिव लॉर्ड ऑफ चैरिटी अब्दुल अब्दुलसतारी है कराची के थे जब हम कराची आते हैं पॉडकास्ट करने ना अभी मैं एक्चुअली बिफोर यू केम हम ये बात कर रहे थे मैं और तला के

तो सो प्राइवेट सेक्टर चैरिटी बहुत होती है hmm. लेकिन द एलिफेंट इन द रूम इज द गवर्नमेंट जो रिसोर्स हेल्थ एजुकेशन जो है ना वो गवर्नमेंट का हम जितना भी चैरिटी कर दें आप दस इंडस हॉस्पिटल बना दें दस आखान हॉस्पिटल बना दें आप सिटीजन फाउंडेशन की हज़ार और स्कूल खड़ा कर दें इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री राइट इट विल हेल्प के जो जो सफरिंग्स है वो कम हो जाएगी लेकिन सॉल्व नहीं कर सकता है गवर्नमेंट hmm. का रोल इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल तो आप देख रहे हैं ये चैरिटीज़ भी चल रही है मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हैं आप चैरिटीज़ भी हो रही है लेकिन फ़र्क आप नहीं देख रहे बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट प्लेइंग इट्स रोल दैट इज द रीज़न सॉरी आपका नेक्स्ट सवाल hmm. क्या था कि सो या कराची में गवर्नेंस इशू बल्कि पूरे पाकिस्तान में है कराची में कुछ ज़्यादा हुआ है राइट hmm. right? एंड कराची का एडवांटेज इट्स अ मिल्टिंग पॉट यहाँ आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे यहाँ आपको बिजनेसमैन मिलेंगे आपको बैंकर्स मिलेंगे आपको सारा इट्स अ सर्विस सेक्टर है और यहाँ आपको एथनिसिटी सब मिलेगी एज़ अ बिग पॉट सिटी यूल फाइन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल राइट अ मेल्टिंग तो हम यहाँ क्लिकेशनस ग्रूपिंग ये वे मैं डिनर पर जाता हूँ इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल या आप एक बिलीनर हो If इफ़ यूर अ गुड ह्यूमन बींगी विल सी यू एज दैट हम ज़्यादा होता होगा हमारी इंसान की कैवे लेकिन हम ज़्यादा साइज अप नहीं करते हैं लोगों के कैटेगराइज वो ऐसा ऐसा नो यहाँ आप कराची में मैं स्कूल गया था uh, सेंट पैथ ओ डिमा फ्रॉम दे जबरदस्त इज़ अ मेल्टिंग पॉट, राइट तो यहाँ कराची में ये आपको मिलेगा कि एथनीसिटी डाइवर्सिटी प्लूरलिस्टिक है बट हैविंग से दैट कराची इज गॉन थ्रू ह्यूज इश्यूज राइट एंड यहाँ बड़ी ज्यादियाँ भी हुई है शहर के साथ रिसोर्स की गवर्नेंस की थर्ड क्लास पॉलिटिक्स करप्शन रिसोर्सेज थे वो सही हुए नहीं रोड से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना गैंग वॉफ है यू नेम इट एंड वी हैड इट बट डिस्पाइट ऑफ दैट कराची हैज़ स्टिल बिन अ वेरी रिजिलियंट एंड फॉरन जो भी डिप्लोमैट्स आते देस विल लव पीपल ऑफ कराची बिकॉज यू फाइन दैट एनर्जी इन सिटी और वो एनर्जी हम कैसे एक नेशनल लेवल पर रिक्रिएट करें मिसाल के तौर पर आपने एक तो एनर्जी फिर दूसरी बात डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट राइट तो कराची में मैंने वाकई ये देखा है इट डजेंट मैटर कि क्या माइनो मतलब क्या रिलीजियस वॉट एवर एथनिसिटी है या कहाँ से है या क्या है, या क्या है बंदा अच्छा है तो उसके साथ काम करो ये हम साउट ऑफ द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट जस्ट पंजाब बट द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कैसे माइंड सेट ला सकते हैं क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप आई थिंक टू चले इकोनॉमिक सक्सेस तो अलग है एटलीस्ट uh, एक सोशल uh, तो हो ओके सो लुक आई मीन कराची के इट वॉजन के यू नो यहाँ दूध की नहरें बह hmm. रही थी कराची आल्सो ग थ्रू एमक्यूएम महाजर hmm. पठान इश्यूज़ uh, सिंधी अर्बन रूरल इश्यूज तो ये हमारे हुए एंड आज भी है लेकिन जो लिटी है सिटी की वो दैट हैज़ जैसा इन्वायरमेंट सही हुआ लियारी गैंग्स थी बहुत सारी इशूज़ आ रहे तो वह तो एक वाइब्रेंसी आई है तो पाकिस्तान इज़ ऑल्सो दिस थिंग मेरा उसमें आई मीन्स अ लॉन्ग आंसर पढ़ाइल जस्ट मैं शॉर्टन एंड करूँ देखिए हम वी कॉल एस ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है ना तो इस्लाम का जब आप बात करते हैं उनका जो एसेंस है मैं हमेशा कहता हूँ रिलीजन विदाउट एसेंस बिकम्स डिवाइसिव अगर इस्लाम का जो एसेंस है विच इज़ प्लूरलिज्म कम्पैशन राइट आप बिलोव प्रॉफिट इज आ रोल मॉडल उसकी लाइफ आप देख ले क्या थे चैरिटी कम्पैशन टॉलरेंस फॉर गिवनेस राइट ये एसेंस अगर आप खो देते हैं और सिर्फ आप सेरेमनीज में पढ़ेंगे सेरेमनीज आई ऑलवेज से इज अ मीन्स टू मेक यू बेटर ह्यूमन बींग राइट सो यू नीड टू बहुत जरूरी है सैरेमनी नमाज पढ़ते सजदा करते यू सरेंडर टू गॉड अनकंडीशनली राइट यू सरेंडर कम्प्लीटली हम ग्रीटिंग करते नो सो दे इज अ मीनिंग बिहाइंड आप अगर सिर्फ असलम देन मैंने आपको दो तीन गालियाँ भी दी आपके पीछे गिला गिबत भी कर दी उस सलाम वाले का फ़ायदा क्या मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ इन देन नेक्स्ट मैं कहते यार ज़रा रिश्वत भी ज़रा इधर दे दो ये करो मैं हज उम्र पर जा रहा हूँ आकर मैंने अगेन रिश्वतें और करप्शन स्टार्ट कर दी चोरी चकारी टैक्स एवेजन सब कुछ की तो देन सेरमनी एंड एसेंस में आप लूज़ कर जाते हैं राइट तो मैं हमेशा कहता था पहले कि कपड़ा मार्केट में टेक्सटाइल में था पहले कपड़ा मार्केट में वही होता था कि भाई आप बैंक में पैसे नहीं रख सकते इस आ, ये आ, हराम है इंश्योरेंस नहीं करते हराम है लेकिन टैक्सी चोरियां चलती थी उधार पे आप देते थे तीन तीन परसेंट पर मंथ पे गुड्स को तीन महीने के लिए और नौ परसेंट आप कमाते थे वो सब हलाल था राइट सो दिस इज हिपोक्रेसी तो जब तक हमारी सोसाइटी में ये हिपोक्रेसी आप नहीं निकालेंगे मसला ये है तो फॉर इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स आई थिंक एसेंस हमारा क्या है यू कॉल आल्स अ मुस्लिम मेजोरिटी दिस थिंग इज़ आवर ओन रिलीजन एंड हमारी जो तहजीब है hmm. हमारे मज़हब के जो टीचिंग जब तक इसको हम इम्बरेस नहीं करेंगे और मुश्किल है hmm. आसान हो तो सब कर लेते हैं hmm. मुश्किल है राइट एज दैक एवरी वन वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नो बडी वॉन्ट्स टू डाई राइट तो आपको सर्टन सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जब तक ये चीज़ें आप नहीं करेंगे आप uh, यू you नो know, आपके पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे हम खोए रहे यार ये अभी mm -hmm. तक क्यों एंड देन हम गोल्फ़ खेलेंगे सिगार पियेंगे और सारे तनकीद करते रहेंगे वाई डोंट दी लार्जर बिजनेस फैमिलीज एंड पीपल लाइक योर सेल्फ जो इतने पढ़े लिखे हैं हैंट यू गाइज एनी वाई डोंट यू एंटर पॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल चले बात नहीं बाई देखिए मसला आपके भी सामने पॉलिटिक्स इज इन सो सेइंग है कि पीपल हु थिंक दे आर टू स्मार्ट टू जॉइन पॉलिटिक्स कंडेम देम सेल्व टू बी रूल्ड बाय पीपल हु आर डमर ठीक है सो एब्सोल्युटली पॉलिटिक्स मेरा नहीं है पर्पस पॉलिटिक बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मे बी 20 इयर्स अगो अगर मैं होता तो करता लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो गई है और मैं आपको समझाऊं इन पब्लिक का राइट चर्चल um, ने कहा था द वर्स्ट द बेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज़ अ फाइव मिनट कॉन्वर्सेशन विद एन एवरेज वोटर राइट यहाँ पर नारेबाजी झूठ आप इलेक्शन hmm. अब आ रहे अगेन हम कोई कहता नया पाकिस्तान हम लाएंगे हम ये लाएंगे हम ये तब्दीली करेंगे हाउ राइट हाउ एंड सबके ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम करप्शन मिसगवर्न नेपोटिज्म फेवरेटिज्म पार्टी पॉलिटिक्स ईगो ये सारे के सारे हैं right? राइट अब मैं चले आप मुझे कहते हैं ना मैं पॉलि मैं कल आ मैं कल तकरीर शुरू करता हूँ मैं कहता हूँ देखिए मसले बहुत ज़्यादा है आई डोंट हैव अ सोल्यूशन हम कोशिश करेंगे साथ मिलकर करेंगे आई लो आई कैन प्रोमिस यूज ऑनेस्टी बट डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट इमीजिएटली और मेरे पास सोल्यू जादी की जादू की छड़ी नहीं है एंड मेरे पास सोल्यूशन भी नहीं है हमें पता है एक डायरेक्शन क्या लेनी है दिस इज़ द रियलिटी राइट अगर मुझे कोई भी साल कोई बेवकूफ होगा जो मुझे वोट देगा राइट right? लेकिन इफ़ आई कम मैं आऊँगा मैं नया पाकिस्तान लाऊंगा कोई का, का, का मियाँ साहब आएगा तो ये हो जाएगा और हम ये कर देंगे हम दूध की नहींरें तो लोग कह ज़बरदस्त ज़बरदस्त hmm. या या सिटी पे होगा एम क्यू एम एथनिक कार्ड खेलता है पी 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 सिंधी कार्ड खेलेगा कोई वो रायन का कार्ड का खेलेगा कोई पठान का खेलेगा या तो इस पर हम इमोशनल हो साडा बंदा है राइट सो आई वुड बी ए कंप्लीट फेलियर इफ आई कम इन पॉलिटिक्स दिस इज हाउ आई वेट आई कैन बी रॉन्ग बट आई ऑलवेज फेल एंड प्लस मुझे इलेक्शन के लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए फॉर hmm. मी मैं अगर लगाता भी हूँ मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा अगर मैं खुद में लगा तो अपने पैसे मेरे ख़त्म हो जाएंगे कहाँ से मुझे फिर वो चाहिए सेलेक्टेबल ये कैंडिडेट्स चाहिए जो अपनी बरादरी से वोट कर लेकर आएंगे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ बैठे हुए हैं राइट अगर मुझे असेंबली में आना है तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है पाकिस्तान में नहीं बहुत सारे मुल्क में है दुनिया में राइट सो so, ये मनी पॉलिटिक्स करप्शन ये सारी की सारी चलती इट्स अ वेरी टॉक्सिक एन्वायरमेंट इसके लिए मैं समझता हूँ कि फॉर मी आई हैव बेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई ड्रा वर्क फोकस चुपचाप से जितना हो सके hmm. काम करते जाएं राधा दिन ढोल बाजा बजाएं ईगो के एंड इट्स ए नार्सिसिस्ट थिंग इफ टूम इफ आई थिंक मैं ढाई फिफ्टी मिलियन पीपल में से मैं हूं जो मैं पाकिस्तान को चेंज कर सकता हूं इट्स ए नार्सिसिस्ट इट इज इट इज ईगोस्टिक है राइट right? बाकी सब ये है वो ऐसा वो ऐसा मैं आके करूंगा अरे बाबा नॉनसेंस ग्रेवी आर इज फुल ऑफ पीपल हुआ इंडिस्पेंसिबल एंड जो बड़ा ज़बरदस्त लाइफ सो इसके लिए फॉर मी दे फॉर पॉलिटिक्स आई लाइक आई सेड आई वुड बी अ टोटल फेलियर इन पॉलिटिक्स इफ यूर यंग किड एंड आपने जिस तरह भी बात की एक कंप्लीट सिस्टम रिवैम की जरूरत है हम अगर आप जैसे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ भी जाएँ तो उनका जीतना इम्पॉसिबल है, है बिकॉज आवाम को आदत यू नो you know, जिस तरह चोचल वाली बात है ना वीट एन एवरेज वोटर शुड यंग किड टू लीव पाकिस्तान राइट नाउ? सो लुक, या, आई मीन एब्सोल्युटली, आई मीन अगर आपका इनर वॉइस है कि दिस इज़ माई पर्पस इन लाइफ देन गो फॉर इट एब्सोल्युटली लेकिन चेंज आप समझें कि आई वोट कम इन टू पॉलिटिक्स आप मुझे hmm. politics, hmm. मैं कभी भी नहीं दूंगा कि यार मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा नो नॉनसेंस दैट्स ईगो मैं कहूँगा यार मैं एक सीट ले लू hmm. या opposition मैं अपोजिशन में एक सीट ले लू hmm. मैं एक सीट भी नहीं लूँ लेकिन कैन आई ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दब्लिक डिस्कोर्स मैं कोई आइडियाज में सीट कर सकता हूँ hmm. नई नई आइडियाज़ या कोई सच बोलकर शायद करोड़ में से शायद हजार लोग शायद सुन ले राइट लाइक द कॉन्वेसेज यू हैव यू सेड इवन इफ आई इन्फ्लुएंस फ्यू पीपल आई राइट सो इफ इफ यू कम विद डैट माइंड सेट एब्सोलूटली यू शुड कम आई वुड इनक्रेज बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ द एलिफेंट इन द रूम हमें पॉलिटिक्स की पॉलिसीज ये सब कुछ ये सारा का सारा इंटीग्रेटेड है एंड mm. अगर आपका आपका है आप में एक अबिलिटी है टू स्पीक आप तकरीरें आप कर सकते एक एक घंटे की और सच बिल सच बोलकर आप क्राउड को तो ये क्राउड इतना भी बेवकूफ़ नहीं है क्राउड समझ अगर आप सच बोलते हैं और आप दिल से बोल रहे हैं मैं एज अ ऑडियंस मैं आपको सुन सकता हूँ कि यार बंदे में कुछ ज़रा है सो एब्सोल्युटली यू शुड डू दैट बट मैनेज योर एक्सपेक्टेशन इट हैज़ टू बी ए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म सिस्टम को आपको रिफॉर्म करना है फिर आप अपनी लाइफ आप पे डिवोट करेंगे बिल्कुल ठीक है ना एंड फिर आप गोली खाने के लिए भी आप तैयार हो जाए ठीक है और अगर मैं गोली खाने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं ये सारा नहीं करना चाहिए शुड आई पैक अप माई बैग एंड लीव पाकिस्तान इज देर नो होप फॉर यंग किड नो एक्सक्यूज मी आप ये नहीं कह सकते भाई पॉलिटिक्स में नहीं आए तो नहीं, आप नहीं, मैं पॉलिटिक्स की बात है मैं कह रहा हूँ कि यार एक लड़का है उसके पास अभी ऑप्शन है अभी बहुत पैनिक चल रही है राइट विद यंग एक तो हु आर वर्किंग इन पाकिस्तान डूइंग वेल दैट्स डिफरेंट ये यंग लड़का है कह रहे यार जॉबलेसनेस है सो लुक हेज ए थिंग मेरी एडवाइस हमेशा ये हुई कि इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन ठीक है um, अगर आप अपनी लाइफ इधर वेस्ट कर रहे हैं एंड यू हैव एन ऑपरचुनिटी टू गो अब्राउड एब्सोल्यूटली गो फॉरवर्ड ठीक है एज ए से ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन ठीक है सो यू नीड टू लुक फॉर ऑपर्चुनिटीज गो फॉरवर्ड मे भी पाँच साल दस साल के बाद बड़े जबरदस्त आप प्रोफेशनल बन जाते या बिजनेस में पाकिस्तान में आखाना हॉस्पिटल में बहुत होते हैं हमारे जितने ग्रेजुएट्स हाँ, है सब बाहर जाते हैं सब बाहर जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूट ब्यूटिफुली दस साल बीस साल पच्चीस साल में दे कम बैक आज जो इतनी हाई जो कैलेबर है इज बिकॉज ऑल दीज डॉक्टर्स हैव कम बैक पूरा एंड देन वो बच्चों को पढ़ा रहे भी है नेक्स्ट क्रॉप बना रहे इंडिया का आईटी का यही हुआ था शुरू शुरू में सब बाहर गए थे राइट आज भी बाहर जा रहे हैं, और एक सर्कुलर इकॉनमी डेवलप हो गई है राइट एंड लिंक बन जाते हैं सो इट्स वेरी गुड इफ़ यू आस्क मी टुडे आल से नो मेरा right. तो है कि यार मैं तो अपनी कब्र मेरी इधर ही होनी है hmm. कराची में ही होनी है एंड दैट्स इट लेकिन इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन सो बाहर जाना अगर आप जाएं यू नॉट लेटिंग योर कंट्री डाउन जो मजदूर भी है मिडलीस्ट जाता है वो रेमिटेंस भी तो भेज रहा है ना बाहर को सो नो प्रॉब्लम लेकिन इफ़ यू हैव अ चॉइस कि आप पाकिस्तान में कुछ कर सकते और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मीनिंगफुली नहीं कि आप लैंड में आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं प्लॉटें खरीद रहे भेरिया टाउन की फाइलें चल रही है दैट्स अटल नॉनसेंस अडराधर यू गो अब्रॉड ओके okay, बिकॉज आप कोई मीनिंगफुली आप कोई पाकिस्तान को आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं अगर आप एक्साइज की चोरियां कर रहे हैं टैक्स नहीं देते हैं आप अशियाँ कर रहे हैं करप्शन में देन प्लीज गो आउट मैं आपको टिकट मैं आपको दे दूंगा आप चले आप <laughs> बाहर अच्छा टू मोर ऑफ टाइम वन लास्ट क्वेश्चन एक पाकिस्तान में स्टार्टअप बबल आया राइट एंड उसमें फिर बहुत ज़्यादा फंडिंग आई एक दुनिया बनी हमारे सामने एंड यू नो यू बिलोंग आई मीन यू डू बिज़नेस राइट ओल्ड स्कूल प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस फिर एक नई दुनिया हमें बताई गई कि वीसी से फंडिंग उठाओ सौ मिलियन दो सौ मिलियन पचास मिलियन दो मिलियन और स्केल करना है स्केल करना है पैसे बनाने नहीं है प्रॉफिट बनाना नहीं है अच्छा अब मैं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी वाज लाइक मे बी मेरी समझ से ऊपर हैं चीज़ें मैं मुझे क्या पता यू यू नो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने काफ़ी अर्सा गुजारा है वट आर यूर थाोसिस्टम एंड आई गेस यू कैन कॉल इट इट्स फेलियर शोर ओके तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं हिस्ट्री बहुत पढ़ता हूँ फ्राम ग्रीक्स टू रोमन्स टू यूरोपियन हिस्ट्री मैं हमेशा पढ़ते रहें तो ये एक ट्रेंड है तो फो एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आप देखें बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी आई राइट right? इलेक्ट्रिसिटी hmm. के इंडस्ट्री में बहुत सारे आए फोर्ड मोटर कंपनी बनी पहली जो ऑटोमोबाइल hmm. फिर उसके बाद बहुत सारे ऑटोमोबाइल में आए राइट सिमिलरली जब रेलवेज हुई उसमें रेलवेज में अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज बनी राइट right? देन hmm. उसके बाद आप देख ले कंप्यूटर्स आए आईबीएम आया वॉटसन यू रिमेंबर राइट सो यह उसके बाद सो so, इसमें ये होता है कि जब एक न्यू इनोवेशन आती है एक नया आता है तो लॉर्ड ऑफ पीपल वो कहते हैं अमेरिकन द गोल्ड रश ठीक है द वाइल्ड वेस्ट गोल्ड रश होता है लेकिन 90 95 फाइव परसेंट ऑफ दंपनीज फेल ठीक है एंड इवेंचुअली चंद होती है जो दो, वो बिकम द गूगल ऑफ दिस वर्ल्ड इट्स हाई फेलियर रेट होता है तो ये जो ट्रेंड है ना ये बड़ा एक्सट्रीम पर चला गया था, था कि भाई काउंटर इंटूटिव था क्या प्रॉफिट छोड़ दें सो so, जो आपकी बेसिक बिजनेस सेंस है प्रॉफिट uh, होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए वह ये अब नया ट्रेंड नहीं है ये हजारों साल से है राइट right? तो आप अब एक छब्बीस साल का बच्चा कह रहे हैं कि वो कोई किताब पढ़ के आया बोला अब ये है नॉनसेंस, ओके? सो ये बेसिक बिजनेस फंडामेंटल्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम यू कैन से आप स्केल अप करें फॉर इवेंचुअली गेटिंग टू दैट पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेकिन दूसरे कि ये तो आप बकवास है हम नई जनरेशन है पीछे हट हम आ गए टोटल नॉनसेंस एंड सो सो ये जो फ़िल्ट्रेशन होता है ये एक इंडस्ट्री की डिसरप्शन होती है लेकिन इसको आप ले लें कि भाई ये अब तो प्रॉफिट चाहिए ही नहीं हमें तो सिर्फ हॉकी स्टिक चाहिए व्हाट इज़ योर शाउट आउट आई मीन दिस इज़ जस्ट एक चीज़ याद रखें फैशन एंड आर्ट में क्या फ़र्क है मुझे आप

तो वो बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन सर्टन डीप थाट्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स राइट तो वो इवेंचुअली विद सो बिजनेस में भी यही है ये यह जो है ना ये डॉट कॉम बबल आया hmm. था सो मेनी थिंग्स हैपन राइट सो ये सारे ट्रेंड्स थे सो so, आपको आपका फंडामेंटल यू हैव टू बी एज से कीप योर हेड इन द क्लाउड बट ग्राउंड ऑन द फीट ये आपने दोनों एक कॉन्ट्रोडिक्ट्री होता है या समटाइम ऑल्टरनेट रियलिटीज होती है ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सक्सेसफुल इन्वेस्टर सक्सेसफुल ऑन्टरप्रिनर में आपको सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए आपको टेम्परमेंट भी आपको चाहिए ठीक है मेरे आपके इख्तलाफ हो सकते हैं डू यू हैव द केपेबिलिटी वो इसके लिए कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्जेक्टिविटी दी हैव द एबिलिटी टू होल्ड टू ट्रूथ्स इन पैरल आपकी कंपनी में आपकी एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए डिफेंसिव स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए राइट right? आपके अंदर लॉजिक uh, भी होना चाहिए मैजिक भी होना चाहिए व यू इमेजनिंग इमेजिनिंग यू नो एज अ अट्रीमर एंड ऑल्सो लॉजिक भी होनी चाहिए व यू हैव अ बाइनरी थाट प्रोसेस राइट सो ये दो कॉन्ट्रोडिक्शंस लगती है लेकिन अगर आप ये दोनों को आप कैप्चर करके साइमल्टेनियसली आप इन दोनों को एज द ग्रीक्स वुड कॉल इट लोगॉस एंड mythos mm. right logos is your logic mythos was the mythology mm. in donoka agarap agar you will be a successful entrepreneur successful human being successful in whatever ways you want to i think that's a great place to leave it um, thank you so much there's a lot to learn here um, thank you so much for being on the podcast sure. um, thank you guys for watching if you enjoyed our content please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast